Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. छह साल पहले कुछ पागल दिमाग लुटेरों ने एक प्लान बनाया. लुटेरे चार थे, न जाने कौन सी फिल्म देखकर आए थे. चेहरा कैसे छुपाना है उन्हें अच्छी तरह से मालूम. चारों के चारों दिन दहाड़े एक बैंक में घुस गए. निकल, सब अपनी जगह पे रहेंगे. ए, ए, तू भी निकल. हाथ निकल से. ए, नीचे बैठ. ए, ना नहीं, कोई अपने फोन को हाथ नहीं लगाएगा. ए, तू रुक. हाथ पीछे कर. तू रुक. बैठ, बैठ, इधर बैठ. बैठ वरना गोली मार दूंगा. इधर बैठ. रुक, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? तब तो बोला ना लेटने के लिए. किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की ना, कोई नहीं लेगा. गोली मार दूंगा, लाशें बिछा दूंगा यहाँ पर. एक, कोई नहीं हिलेगा. चल पैसा निकाल. पैसा निकाल जल्दी. बैंक का पैसा. जैसा कह रहा हूँ ना वैसा कर वरना गोली मार दूंगा. पैसा निकाल जल्दी कर. ए, हिलना नहीं कोई. बच्चे को चुप कराओ. क्या किया तूने? अलार्म बजाया तूने? नहीं, वो गलती से. अब तू मरेगी. मुझे माफ कर दो. क्या बकवास कर रही हो विनोद? तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि मैं कौन हूं? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही विनोद कि तुम मेरे पति हो. अरे ये झूठ बोल रही है. मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं. तुम्हारे लिए सब झूठ है ना विनोद. ये मंगलसूत्र भी झूठ है ना विनोद जो तुमने मेरे गले में डाला था. सिंदूर ये सब झूठ है. इनफैक्ट तुम ये कहोगे कि ये पिक्स भी झूठे हैं. देखिए ये पिक्स सर. देखिए देखिए ये सब झूठ है ना तुम्हारे लिए विनोद. इसका मतलब विनोद तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? नहीं डैड, ये झूठ बोल रही है. मैं खुद आज इसे पहली बार देख रहा हूँ. ये झूठ बोल रही है. तो क्या तस्वीरें भी झूठी हैं? बोल दो. तुमने मुझे धोखा दिया है विनोद. नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं. तुम खुद जानती हो मैं लंदन कभी नहीं गया तो वहां जाकर फोटो कैसे खिंचवाऊंगा मैं. झूठ बोल रहे हो. एक नंबर के झूठे हो तुम. सबके सामने हमारी नाक कटा दी. किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा. कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये झूठ बोल रही है. ये झूठ बोल रही है पापा.
अरे कोई मीटर रूम में देखो, भाई जाके देखो ना यार क्या हो गया। हाँ मैं जाके देखो, पता नहीं देखता हूँ मैं जाके। अरे दादा देखो ना पापा, अरे वो आ गया। नैना सर, शरीर पे कहीं और कोई घाव का निशान तो नहीं है? फिर तो देख के लगता है कि इसे जहर दिया गया है। हाँ एक बात बताइए, क्या सगाई से पहले नैना ने कुछ खाया पिया? नहीं सर, हम लोग तो सर घर से ही खा के निकले थे, यहाँ के तो कुछ नहीं खाया सर। यहाँ पर कुछ खाया नहीं तो फिर ये सब हुआ कैसे? सर बीच में अचानक बिजली चली गई थी सर, और जब बिजली वापस आई तो हम लोगों ने देखा कि नैना लाइट जाते ही नैना का खून होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता सर। वही तो सर, ये सब उसी औरत की वजह से हुआ होगा सर जो विनोद को अपना पति बता रही थी। और कौन और कहाँ है वो? सर वो यहाँ के शोरगुल में कहीं गायब हो गए, वो मुझे अपना पति बता रही थी, पर ये सब झूठ है सर। ये सब तो सर एक सोची समझी साजिश लगती है, वो औरत भी इसी प्लान का हिस्सा होगी। फ्रेडी काम करो, औरत का हुलिया पता करो, सब जगह भेज दो। वैसे लाइट जाने से पहले ये औरत कहाँ खड़ी थी? सर भाई स्टेज पर हम सबके साथ। ये बाकी सारे लोग? बाकी के लोग सर यहीं पर थे, बिजली अचानक चली गई ये देखने के लिए मैं नीचे उतरा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल बगल में से निकल कर ऊपर चढ़ा हो। सर हो सकता है कि उसी आदमी ने ये जहर वाला इंजेक्शन दिया हो नैना। अभिजीत इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि लाइट्स तभी काटी गई जिस वक्त नैना को जहर देना था। इस होटल का मीटर रूम चेक करते हैं। मौत तो इसकी हीमोकॉक्सिन की वजह से हुई है, लेकिन ये जहर आखिर इसके शरीर में गया कैसे? इसके पूरे शरीर में कहीं कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे साबित हो कि इसे जहर दिया गया। ये जरूर इसे तब दिया गया होगा जब ये स्टेज पे थी, शायद लाइट जाने से पहले। लाइट जाने से हरिका रिंग सेरेमनी भी तो तभी हुई थी लाइट जाने से ठीक पहले। सर रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से क्या संबंध? एक मिनट ये देखो तारिका, रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से संबंध। हाँ सर। यहाँ छुपा हुआ है जहर अंगूठी में, इसीलिए इसके शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। क्या काम किया है सर, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक अंगूठी से कोई किसी को जहर दे सकता है। एकदम परफेक्ट मर्डर प्लान है। ए, संभल के गिरे मेरे। हीरे, तुम्हें हीरे मिल गया ना, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ तू मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुका है, तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुमने जैसा कहा था मैंने उसे ही किया ना, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। विनोद
जान प्यारी है तो बिना पीछे मुड़े बंदूक फेंक दो। कौन हो तुम? जैसा कह रही हूँ वैसा करो वरना गोली मार दूंगी। फेंक रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तुम भागो यहाँ से। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? क्या किया है मैंने? अच्छा, डकैती वाले दिन एक पल में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और पूछ रहे हो कि क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? तुमने मेरे पति को मारा है और अब मैं तुम्हें मारूंगी। देखो प्लीज गोली मत चला। कोई नहीं मारेगा इसे। इसे तो मैं मारूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट ली। कितना गिड़गिड़ाया था मैं तेरे आगे और तेरी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसको मैं ही मारूंगा। अरे वाह, यहां तो पहले से ही भीड़ लगी है। कौन हो तुम? बहुत पुराना हिसाब चुकता करना मुझे विनोद से। यू विनोद, अपने पार्टनर को तो पहचानते होंगे ना? इस डकैती में मैं तुम्हारा साथी था, याद है ना? लेकिन तुम मुझे पुलिस के हाथों सड़ने के लिए मत छोड़ आए थे। जेल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने इस पल का इंतजार ना किया हो। लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है। मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। राकेश राकेश राकेश, मेरे भाई मेरी बात सुन। देख, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो सारा माल पुलिस के हाथ लग जाता और मैंने तेरे हिस्से का माल संभाल कर रखा है। मैं तुझे देने ही वाला था। पहले सुन, इन लोगों से निपट लेते हैं, उसके बाद बंटवारा कर ले। ये हीरे भी तू रख ले। ये ले। इतनी जल्दी भी क्या है माय डियर विनोद? चलो लो, हीरे मेरे हवाले कर दो। कमान कमान कमान। थैंक यू। चलो। सब के सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। तुम पांचों में से किसी ने नैना का खून किया है? तुम सबके पास विनोद को मारने का कोई ना कोई कारण तो था। विनोद ने तुम सबके साथ गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग कानून को अपने हाथ में ले लो। नैना की मौत उसकी अंगूठी में जो जहर था उसकी वजह से हुई है। मतलब साफ है, तुम में से किसी ने उसकी अंगूठी बदली और वहां पे जहर वाली अंगूठी रख दी। हम लोग भी सोच में पड़ गए कि इस विनोद को कैसे पता चला कि वो हीरे बैंक में रखे गए, जबकि वो हीरे बैंक में सिर्फ एक हफ्ता पहले ही आए थे और उस लॉकर का सही नंबर भी पता था तुम लोगों को, है ना राकेश? जी सर, विनोद ने मुझे बिल्कुल वही लॉकर खोलने के लिए बोला था। यही बात सोच के हम हैरान है कि जिस लॉकर में हीरे रखे गए थे वो नंबर कौन सा था, वो कैसे पता चला विनोद को? कोई तो था जो
उन हीरों के असली मालिक को जानता था। विनोद, तुम तो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते ना, क्योंकि वो तुम्हारे काम के नहीं हैं? सिवाय एक के, तुमने सिर्फ एक इंसान को पहचाना जो उस दिन बैंक रॉबरी में शामिल था। और लॉकर का नंबर सिर्फ एक आदमी को पता था, और वो है लॉकर मालिक का दोस्त, और वो इंसान थी मोना। नहीं सर, मैं बस वहां पे हीरो के लिए गई थी, मैंने किसी का खून नहीं किया। हमने तो आपसे सिर्फ यही पूछा कि आप बैंक के डकैती में शामिल थी क्या। खून की बात तो आप खुद कर रही हैं। तुमने नैना को मारा? कहां भाग रही? चल, शामिल थी मैं इस प्लान में, और प्लान के मुताबिक मुझे बंदी बनने का नाटक करना था, और ये प्लान मैंने और विनोद ने बनाया था, लेकिन एंड वक्त पर इसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके किसी और से शादी करने जा रहा था। मैं भी उसे उसी तरह तड़पाना चाहती थी जिस तरह ये मुझे तड़पाते हुए उस कार में छोड़ कर गया था। बस इसीलिए मारा मैंने नैना को। बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, पर क्या करें, भूल गई तुम कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही जगह पे जाकर रुक जाता है, और वो है फांसी का फंदा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।